ਖਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ 130 ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਮਾ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਟਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਬਾਬ ਸ਼ਾਰਮਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਮੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋਨ ਸੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਬੀਟਰੂਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਨੀਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਨੀਰ ਲੋ ਸੋਇਆ ਲੋ ਦਾਲ ਲੋ ਇਹ ਖਾਓ ਲੋ ਖਾਓ 10 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ सुगिरदी के मुंह में पानी आ रहा है। टू सिस्टर्स हैं जो मोमोज एंड स्प्रिंग रोल्स बनाती हैं, वो भी बहुत बढ़िया। सीरियसली ये स्प्रिंग रोल कितने रुपए का था? 25 रुपए का। जूसेस टपक रहे हैं और एकदम बढ़िया से, कह रहा हूँ आप पीसेस देखोगे ना, इतने बड़े बड़े पीसेस चंक से ऊपर जो इन्होंने बैरिकेड करके रखे हुए हैं। तो ये भाई बन गया हमारा। ये वाला कौन सा भैया? एवोकाडो रैप। तो भाई तिलक नगर की मार्केट में आ चुके हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाई ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे आकर आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो पहला आइटम क्या है? पहला है जी हेल्दी शेफ। बिल्कुल शुरुआत ही हेल्दी से कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा बिल्कुल हेल्दी तरीके मतलब से आपको चीजें दिखाएंगे। इतना हेल्दी होने वाला है कि अगर ये हमारे घर पे डिलीवरी आ जाए ना तो हम रोज खा सकते हैं। तो हम रोज मतलब कि हम डाइट भी जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, चलते हैं और दिखाते हैं आपको इनकी वैरायटी और ये बनाते कैसे। चलिए तो ये आ गए जी हमारे हेल्दी शेफ के ऑनर। सर क्या हाल है? तो आज कौन सा रोल खाने वाले हैं हमारे को? अच्छा एवोकाडो। तो भाई ये देख सकते हो ये हरी हरी सब्जियां हैं, कलरफुल सब्जियां खड़ी हैं और ये सारी के सारी रैप्स में डलती हैं भाई, रैप्स में। तो ये रहे भाई तीनों और ये कर रहे हैं हेल्दी खाने की शुरुआत। तो मैम आप बताओ कि कैसा लगता है? वैसे तो आप देख के भी हेल्दी लग रहे हो, तो मुझे ये बताओ मतलब सच में मतलब इतना टेस्टी है कि लोग लगा के लगे लाइन लगा के खड़े हैं वाकई में? और हाइजीन भी है, अगर हम बात करें दूसरे स्ट्रीट फूड की उनसे बेटर है राइट? तो अगर मैं अगर आपको बोलूँ 10 में से नंबर देने के कितने नंबर दोगे? 10 पूरे? 9। अरे मतलब एक नंबर काट दिया, बटर जल जाता तो मिल जाता। टीचर है ओहो, फिर तो देखो झूठ भी नहीं बोलेगा भाई। तो मतलब कि अच्छा है, टीचर है तो नंबर काटने तो बनते हैं। हाँ नंबर काटने तो बनते हैं। आपने कौन सा ऑर्डर लिया? मेरा है मिक्स वेजी। मिक्स वेजी नाचोस। अरे भाई पनीर पेरी पेरी पनीर। तो तेरे को कौन सा खाना है? पेरी पेरी वाला स्वाद लग रहा है। पेरी पेरी पनीर स्पाइसी थोड़ा सा होना यार नाचोस, वो भी रैप के अंदर मजा आ जाएगा एकदम। कर सकते हैं पता है एक सेकंड के लिए, पता क्या लग रहा है कि मैं किसी फ्लावर की दुकान पे आया हूँ। वो पानी मार के ना एकदम फ्रेश कर रहा है। बट सीरियसली ये फ्लावर से कम नहीं है, ये इतने हरे भरे। और यहाँ पे हमारे लग रहे हैं भाई रैप्स। और कौन से रैप्स लगाने वाले हैं हम? एक लगाने वाले एवोकाडो वाला और एक दूसरा कौन सा लगाएंगे? गन पाउडर। अच्छा लेटस डाल दिया। अच्छा ये रोटी किस चीज़ की बनी है बताओ? तो बीट रूट की। एक तो ये जैसे सर्दी होती है हाँ, काले अंगूर होते हैं तो हाँ, काले अंगूर के बनाते हैं। अरे इस टाइम ये जामुन की है। जामुन की रोटी जो जिनको डायबिटिक वगैरह हाँ, प्रॉब्लम रहती है उनको कोई सोर्स नहीं मिलता जामुन खाने का हाँ, अच्छा है। अच्छा रोटी में डाल के खा सकते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि जामुन की रोटी बन सकती है कलर से। अच्छा ये बीट रूट। हाँ देखो ये तो वो चीज़ें हैं एक्चुअली में जो सिंपली लोग घर पे बना सकते हैं पर बना नहीं पाते सर, क्योंकि एक ये भी है प्लस दूसरी चीज़ पता है क्या होती है? एक चीज़ ये भी होती है कि घर पे मेजॉरिटी जो होती है वो नॉर्मल चीज़ों की ही होती है। तो ये देखो अब एवोकाडो भी बटर के साथ आ गया, आखिर बटर लगी है इसमें। बस तंदूरी एवोकाडो ना मिलना। बट सीरियसली अगर हम बात करें हेल्दी की और हाइजीन की तो दोनों चीज़ें एकदम बढ़िया हैं। और भैया इसके प्राइस बताओगे एक बार दोनों का? एवोकाडो रैप 199 का है, गन पाउडर 160 का है। ठीक है जी। ये देखो भाई ये आ गया जी सारा के सारा वेजिटेबल मिक्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स है जो वहाँ डिस्प्ले में है, एक वाइट अनियन को छोड़ के और मशरूम को छोड़ के। अच्छा जी सुकृति घर पे बना जी जी देख लो भाई जी जी ऐसे ही निकल जाता घर जाते। सॉसेस है इसमें से ही लगेगी। शुरू करते हैं इसमें सारी तकरीबन हम मस्टर्ड ही यूज़ करते हैं। अच्छा मस्टर्ड मतलब अच्छी भी होती है। ये स्वीट अनियन था इसमें मस्टर्ड मिक्स है। अच्छा मस्टर्ड मिक्स है थोड़ा इसको मिक्स किया हुआ है। ये क्या है? ये भी मस्टर्ड है। ये भी मस्टर्ड है मतलब मस्टर्ड ज़्यादा यूज़ होता है क्यों? रीज़न ये बेस है। हाँ ये बेस है इससे ये बन गया, फिर जो पाउडर आता है उसको पीस के आप। वाह भाई ये देखो भाई साहब ये आ गया गन पाउडर वाला। तो ये भाई बन गया हमारा। ये वाला कौन सा भैया? एवोकाडो रैप और ये गन पाउडर। सुकृति ले रहे हैं, सुकृति ट्राई करेगी गन पाउडर और मैं करूँगा एवोकाडो। भाई तो रोल आ चुके हैं हमारे हेल्दी रोल रैप्स। रैप्स इट्स अ रैप। और ये जो रोटी है ना ये जामुन की रोटी है और वो जो उनकी रोटी है बीट रूट की रोटी है। भाई हेल्दी चीज़ें गिर रही हैं इससे पहले कि मैं
ट्राई कर लेता हूँ इसको। खरे बेटर है भाई, पूरा ओवरलोडेड है, खाएंगे कैसे? हमारा शरीर इसके लिए नहीं है, पर बहुत टेस्टी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक एक वेजिटेबल निकाल के भी खा सकती हूँ इसमें से, ऐसी मतलब सेलेक्टेड वेजिटेबल्स दिख रही है, सुपर नाइस। इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स है कि मुझे पता क्या लग रहा है, सैलड के साथ रोटी खा रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में इसको ना लोडेड हेल्दी रैप कहेंगे, है ना, ओवरलोडेड हेल्दी रैप। सीरियसली अगर आपको भी ये खाना है तो कहाँ पे आना है? हेल्दी शेफ, 7 मंजिला तिलक नगर मार्केट। हाँ जी, कहाँ लेके आए हो भाई? आज लेकर के आए एक बढ़िया सी वेजिटेरियन जगह पे, प्योर वेज खाना है, मात्र 130 रुपीज में सब कुछ मिलेगा, अनलिमिटेड भाई, अनलिमिटेड की सब्जी ब्रेड भाई दिखाते हैं, जल्दी आओ, मुँह में पानी आ गया होगा, अनलिमिटेड वैसे नाम। मतलब की दाल मखनी जी, शाही पनीर, yes, और एक सब्जी और, yes, तीनों अनलिमिटेड, और ब्रेड्स, ब्रेड्स भी अनलिमिटेड है, चाहे आप लच्छा पराठा खाओ, चाहे बटर नान खाओ, कबानास कबाब्स एंड करीज, कीर्ति नगर आ जाओ। तो भाई शनिवार का दिन है और भीड़ इतनी ज्यादा है, बट डर सिर्फ एक ही बात का, किस चीज का पता है ना, क्या खत्म ना हो जाए। हाँ, ये देखो भाई साहब, अनलिमिटेड ग्रेवी आइटम्स। भाजी कह रहे कि चीज है, दाल मखनी है भाजी, दाल मखनी स्पेशल, अच्छा, सोया टिक्का मसाला, अच्छा, शाही पनीर, ओहो, तीनों सब्जियां ने जड़ी पंजाबियों की शान ने, क्या बात है, पर तीनों 130 रुपए अनलिमिटेड, तीनों की तीनों 130 रुपए, क्योंकि पंजाबियों की आदत होती है दिल से खिलाने की, दिल से ले जाने की, और उनका मेरे ख्याल से लगता नहीं है भाजी बस करो, वो तो बोला ना, जब सरदारी आ गई फिर कहा था बस करना, फिर तो जितना मर्जी खाओ, मैं कहता लुट्टी जाओ, लुट्टी जाओ, 130 रुपए कल्ले बंदे ने जितना खाना है रज के खाओ, लुट्टी जाओ, जितना लूट सकते हो लूट लो। तो बेनती आई है बस, खाली पेट आना है, वेस्ट नहीं करना, पेट भर के खाना, कहाँ आना है? कबाना कबाब जैन करीज, कीर्ति नगर में। अब आपको दिखाते हैं इसमें हम आपको क्या क्या देंगे। ये देखो भाई साहब, ये आगे भाई ग्रेवी आइटम्स, सबसे पहले आगे दाल मखनी और ऊपर बटर तैर रहा है। ये आगे जी सोया टिक्का मसाला हमारी स्पेशल, जिसे हम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी रंगत और इसकी खुशबू तो ऐसी है कि आप सूंघे तो आपको खुद खाने की तरफ खींचते चले जाएंगे। अच्छा, ये जो टाइमिंग्स रहेंगे वो रहेंगे सुबह 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, और शाम के रहेंगे 7 से 11:30 बजे तक। तो ये 7 डेज ओपन है? हाँ, 7 डेज रहता है, पूरन मासी हमारा क्लोज रहता है भाई। ये आ गया शाही पनीर, मतलब पनीर भी अनलिमिटेड है, पनीर भी अनलिमिटेड है, पनीर लो, सोया लो, दाल लो भाई, वेजिटेरियन लोगों के तो मजे हैं। पूरी दिल्ली में आपको ये स्वाद कोई नहीं दे सकता, अगर मिलेगा तो सिर्फ कबाना से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बटर नान और भैया एक नान के 3 पीस आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, ये भी अनलिमिटेड के हिसाब से, 1 खाओ 2 खाओ 10 खाओ, और आप खाते खाते रुक जाओगे, हम खिलाते खिलाते नहीं रुकेंगे, ये हमारा दावा। ये लो भाई थोड़ा सा प्यार, थोड़ा और, ये बन गई हमारी 130 रुपए की अनलिमिटेड थाली, और मैं कह रहा हूँ आपको 130 रुपए में। दुल्हन बिना गहने के होती है, वैसे ही शाही सब्जी बिना क्रीम के होती है भाई, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। तो एक काम करते हैं, अब करते हैं इसको टेस्ट, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो भाई थाली आ चुकी है हमारी, आ जाओ भाई, आ जाओ, अनलिमिटेड वाली थाली, अनलिमिटेड थाली है। तो भाई ये मतलब मुझे बेटर लग रही है उस जगह से, नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ गए हो, बट ट्राई करने से पहले कैसे बताऊँगा, तो ट्राई करते हैं पहले भाई। सही है यार, 130 रुपये है सुगर दी, लुक वाइज ही बेटर लग रहा है, लुक वाइज तो बेटर है। लो गाइस पहली बाइट भाई, पनीर बहुत स्वाद है भाई, दाल मखनी बहुत स्वाद है, और मुझे वहाँ का पनीर ना पसंद नहीं आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मीठा था भाई, सुपर गुड टेस्ट है, सुपर ऑसम भाई, सच में कह रहा हूँ, मतलब कि अपना ये फेवरेट स्पॉट बन गया। अभी मतलब अगर वेज खाना है ना तो कबाना कबाब एंड करीज, कीर्ति नगर आओ भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है, मज़ेदार है। हाजी ये एक बार और बता दो कि ये शेयर नहीं कर सकते ना भाई, शेयरिंग अलाउड नहीं है इसमें, शेयरिंग अलाउड नहीं है, सिंगल बंदे के लिए 130 रुपए में जितना चाहे उतना खाओ ऑफर है, और इसमें कंडीशन ऐसी कोई भी नहीं है कि आप दाल मांगो, पनीर मांगो या सोया मांगो, कुछ आपको नहीं मिलेगा, आप जो मर्जी मांगो आपको वो मिलेगा। सारा का सारा रिफिल हो चुका है आपके सामने, हम इसे करते भाई खत्म, मन नहीं बता, सही है ना, अल्टीमेट। और अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि ये पेड प्रमोशन है, बेकार होगा, तो भाई मत आओ, मत आओ, ये हमारे लिए रहने दो। इतना बढ़िया टेस्ट आपको ना, मैं कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली में 130 रुपए में कहीं नहीं मिलने वाला, ये एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में सब्जी नहीं मिलती, वो टेस्ट है, एग्जैक्टली वो टेस्ट। हम इसे खाते हैं भाई, ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगली जगह पे। भाई शवरमा, ये गाड़ी देख लो आप, इतनी बढ़िया सी कार्ट है, सरदार जी और उनकी वाइफ यहाँ पर बेचती हैं कुछ आइटम्स, चाहे वो मोमोज हो, शवरमा हो, सबवे टाइप
फैक्ट्री बन देख रहा हूँ मैं है। जी क्या हाल चाल? आर भाभी जी नहीं आई? आज वो एक्चुअली उनकी थोड़ी तबीयत ठीक ना होने। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, चलो फिर कभी मिलेंगे उनसे। तो यार देख सकते हो भाई, क्या बना रहे हैं आप? पनीर शोरमा बना रहा हूँ। अच्छा, पनीर शोरमा बना रहे हैं। यहाँ पे कितना टाइम हो गया सर? मेरे को अभी 1.5 मंथ हुआ है। अच्छा, 1.5 मंथ हुआ है। पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है कि तभी हम आ गए आपके पास। बहुत सुना है आपके शोरमा के बारे में। आप बताओ क्या क्या आइटम हम ट्राई करें यहाँ पे, आप बताओ। सर मेरे पास आपके मेरे लिए पंजाबियों के लिए पंजाबी शोरमा, जो थोड़े चटकारे वाले हैं उनके लिए कबाब शोरमा। अच्छा जी, एग शोरमा, कबाब शोरमा। एक कबाब शोरमा खिला दो मेरे को। एक कबाब शोरमा, एक क्रंची जिसमें हम कोटेड करके कुरकुरे KFC में शोरमा देंगे आपको। ठीक है, ये एक, ये और एक, वो दोनों खिला। सब्बे हो जाएंगे शोरमा में। अच्छा, वेज में भी सेम वैरायटी है मैम। वेज में भी है? वेज में भी पंजाबी शोरमा, कबाब का भी हमारा नहीं आया है, लेकिन क्रंची पंजाबी और पेरी पेरी तंदूरी मलाई शोरमा। कौन सा खाना? पेरी पेरी। इसको एक वेज पेरी पेरी। आई नो आपको पेरी पेरी बहुत पसंद है। और हमारे लिए वही जो बताया, एक कबाब शोरमा और एक क्रंची। ये देखो भाई साहब, चिकन शोरमा देखो, जूसेस टपक रहे हैं और एकदम बढ़िया से। कह रहा हूँ आप पीसेस देखोगे ना, इतने बड़े बड़े पीसेस चंक्स है ऊपर जो इन्होंने मैरिनेट करके रखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे टका टक आवाज़, ये एकदम बारीक कीमा कर देते हैं और रुमाली रोटी के अंदर लपेट के जब ये आप खाओगे ना भाई, मतलब मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। कबाब को पहले ग्रिल किया जा रहा है। ओहो, ग्रीन मोमोज। सुकीर्ति के मुँह में पानी आ रहा है। इसमें स्टफिंग किस चीज़ की करते हो? पनीर की। अच्छा, पनीर की स्टफिंग। हमारे पास सिर्फ हम पनीर और चिकन के बनाते हैं। अच्छा, ये देखो भाई साहब, चिकन कबाब वाला शोरमा बनवा रहे हैं हम। कबाब जो है वो ग्रिल हो चुका है और अब देखो असेंबली। मेयोनीज लगाई, कबाब रखेंगे सबसे ऊपर और इसके अंदर ही स्टफिंग होगी चिकन कीमा की। भाई एकदम जूसी चिकन है, आप देख सकते हो सामने, देखो मतलब जूसी चिकन है और पिंक कलर का चिकन है, एकदम फ्रेश जिसे कहते हैं ना। वो धीरे धीरे पक रहा है, उसके बाद उसको कट किया जा रहा है। और ये कौन सी सॉस है? तंदूरी सॉस आ गई है भाई हमारी, थोड़े से क्रंचीनेस के लिए। ये वाला शोरमा कितने का है? ये 100 रुपये का भाई, सिर्फ 100 रुपये का है। नॉर्मल शोरमा भी अगर कहीं खाने जाओगे ना, 70-80 रुपये का है बढ़िया वाली जगह पर, और ये 100 रुपये का भाई। तो भाई खाना सारा का सारा लग चुका है। ये एक पर ये खा के देखा, ग्रीन वाले मोमोज। अच्छा, इनके पास जो मोमोज है ना, वेज मोमोज, वो पनीर के ही होते सर, वेजिटेबल्स नहीं होती। आजकल ग्रीन मोमोज बड़े ट्रेंड में है ना। हाँ, वो सुबह 4 बजे तिलकनगर में निकले थे। पनीर की भुर्जी पूरी बनाई हुई है और उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग की हुई है, बहुत सही स्टफिंग है। और ये देखो क्रंची शोरमा, क्रंची शोरमा तंदूरी और मेयो की सॉस के साथ। अरे वाह, टेस्ट करके देखते हैं। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, सच में मज़ा आ गया। मोमोज भी बहुत अच्छे हैं, अंदर की फीलिंग थोड़ी स्पाइसी है, जिनको स्पाइसी पसंद है बहुत, मतलब मज़ा आ रहा है। हाँ, चटनी स्पाइसी हो गया तो। चटनी भी है और कई लोग बिल्कुल फीका मिक्सचर देते हैं ना अंदर। हाँ, वैसा नहीं है। हाँ भाई, मज़ा आ गया। आप कभी भी यहाँ पे आए ना, माय शवरमा जाना, ट्राई करना। आज जितनी भी जगह दिखाई है मैंने आपको, वो मस्ट ट्राई है। आके ट्राई करो और हमें बताना आपको कैसा लगा। तो भाई तिलक नगर रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं, पता है क्या, 2 सिस्टर्स हैं जो मोमोज एंड स्प्रिंग रोल्स बनाती हैं, वो भी बहुत बढ़िया। 1 महीना या 1.5 महीना हुआ इनको यहाँ पे कार्ड शुरू किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये रही 2 सिस्टर्स। नमस्ते जी, क्या हाल है? तो आप क्या क्या बनाते हो, कब से बना रहे हो पहले ये बताओ। अच्छा, उससे पहले मैं हाउसवाइफ थी और मेरी ये सिस्टर है, जॉब करती है। आपका नाम क्या है? रितु। और आपका? श्वेता। क्या बात है, तो मैं एक बार देखूंगा, एक बार दिखाएंगे। ये देखो भाई, ये रहे मोमोज। ओ भाई साहब, कौन कौन से मोमोज हैं? अच्छा, इसके नीचे है बाकी, पनीर वाला है, वेज है, चिकन है, ये वाला वेज होगा। तो वेज हमेशा गोल मोमोज ही होते हैं और चिकन वाले थोड़े से लंबे में होते हैं। ये रहे भाई चिकन वाले, बहुत बढ़िया। आप एक प्लेट चिकन मोमोज दे दो और स्प्रिंग रोल, एक स्प्रिंग रोल। तो ये चिकन मोमोज एक प्लेट कितने रुपए की आती है?
80 रुपीस का 10 पीस, बाप रे 10। और चटनी वगैरह सब चीज़ें आप खुद घर पे बनाते हो सारी चीज़ें, मोमोज एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये पहले स्कूल टीचर थी और स्कूल जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने अब ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। और ये हैं जो अभी भी एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही हैं, अभी भी उनको सपोर्ट करती हैं, बट आफ्टर जॉब यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हैं। टाइमिंग्स क्या रहते हैं आपके? हमारे 5-6 o'clock to 10:30, 6 p.m. to 10:30, 7 days या ट्यूजडे ऑफ? 7 days, 7 days, क्या बात है। और आप ये देख सकते हो ये रिफिल किया जा रहा है होम मेड चिली सॉस, जो मोमोज की चटनी होती है। तो ये देखो भाई, स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी है और वो भी एकदम सुपर क्रिस्पी, क्रंची क्रंची से कहते ना, वो वाला हो गया एकदम बढ़िया। धीमी आंच पे गरम किया है। एक खास बात ये लगी कि नहीं, ये बहुत लिमिटेड सामान लेके आ रहे हैं। मैं अगर देख रहा हूँ ना, तो मुश्किल से 4 या 5 पीस ही स्प्रिंग रोल है, क्योंकि अभी इनको सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और एक्चुअली में इनको ये नहीं पता अभी कि लाइक पूरा सामान निकलेगा नहीं निकलेगा, इसीलिए ये वेस्टेज ना हो तो ये कम सामान लेके आ रही है। सीरियसली, ये स्प्रिंग रोल कितने रुपये का आता है? 25 रुपये का। प्राइजेस भी देखोगे ना, आजकल के ज़माने में प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस है। ये देखो भाई साहब, ये आ गए जी हमारे, दो तरीके के मोमोज ले रहे हैं। एक पनीर मोमोज ले रहे हैं हाफ और हाफ चिकन। तो सुकृति कह रही है अदला बदली करते हैं, आज मैं चिकन खाती हूँ। और क्वांटिटी देखोगे तो आप खुद देख सकते हो कि बहुत कम लेकर आई हैं, इतने कि आज ही निकल जाएँ क्योंकि कल दोबारा यूज़ नहीं होंगे। हाँ, चिकन मोमोज ये, ओ भाई साहब, एकदम स्टीमिंग, एकदम हॉट स्टीमिंग। हाफ प्लेट ये भी लेंगे, फुल जो है वो 80 रुपये के 10 मोमोज हैं। फाइनली भाई सामान आ चुका पूरा का पूरा, आ जाओ भाई फटाफट। मोमोज ये है हमारे चिकन वाले मोमोज, ये है जी हमारे पनीर मोमोज, स्प्रिंग रोल। आई वुड लाइक टू हैव फर्स्ट स्प्रिंग रोल। लेट्स डू चीयर्स। चीयर्स। ये बहुत गर्म है ये इस टाइम भी। चीयर्स जी। भाई सीरियसली मतलब रियली अमेजिंग। तो भाई मोमोज ट्राई करते हैं। वो स्प्रिंग रोल वाकई में बहुत ज़्यादा क्रंची है, मज़ेदार है। 25 रुपये की कीमत है, जो कि भाई कह रहा हूँ 40 भी होता तब भी लग जाता राइट। चिकन मोमोज स्टफिंग भी पूरी अच्छे से भरी हुई है चिकन की। वेज मोमोज भाई, जब तक बंदा हेल्प करता मतलब कि मेहनत करता ना, ऐसे एक बार आ गया ना आप हेल्प करो। बिल्कुल बिल्कुल, और टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, आप आओ आपको पसंद आए। थोड़ा सा बंदा ना मोटिवेट होता है, भाई आओ यहाँ पे इसको ट्राई करो, ट्रस्ट मी, ऐसा लगेगा आपको कि आप एक्चुअली में एक अच्छी चीज़ खा रहे हो, वो भी कम प्राइस में। ओहो, ओहो।